लास्ट टाइम हमने फंगाई का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने बहुत से उसके सब टॉपिक्स जो है वो कवर कर लिए थे. इंट्रोडक्शन पढ़ा था, स्ट्रक्चर पढ़ा था, डिस्ट्रीब्यूशन, रिप्रोडक्शन, ये सब टॉपिक्स हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर कर लिया. फिर जो टॉपिक मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था मेडिकल सिग्निफिकेंस के हवाले से, कि वो टॉपिक जो है हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. तो आज जो है हम मेडिकल सिग्निफिकेंस ऑफ फंगाई के हवाले से बात कर लेते हैं. फंगाई रिप्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट ग्रुप ऑफ पैथोजेंस कैपेबल ऑफ कॉजिंग अ रेंज ऑफ डिजीजेस इन ह्यूमंस. फंगाई रिप्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट ग्रुप ऑफ पैथोजेंस मीन्स के बहुत से ऑर्गेनिजम्स इस कैटेगरी में आते हैं, किंगडम फंगाई में आते हैं, जो एज अ पैथोजन एक्ट करते हैं, मीन्स डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, और बहुत सी डिजीज कॉज करते हैं ह्यूमंस. पर द मेजॉरिटी ऑफ फंगाई अपीयर टू बी हार्मलेस टू ह्यूमंस. इट इज वर्थ बियरिंग इन माइंड दैट इन द राइट सेट ऑफ कंडीशन नॉर्मली नॉन पैथोजेनिक फंगस कैन कॉज अ क्लिनिकली रेलिवेंट प्रॉब्लम. इसका मतलब ये कि कुछ फंगाई जो है वो आपकी बॉडी के लिए हार्मलेस होते हैं, मीन्स के वो आपकी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाते, जब भी हम उसको कह रहे हैं नॉन पैथोजेनिक. ठीक है, तो अगर पैथोजेनिक की बात होगी मीन्स ऑर्गेनिज्म दैट आर डिजीज कॉजिंग, लेकिन अगर नॉन पैथोजेनिक टर्म आती है इट मीन्स के वो आपकी बॉडी में कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएंगे. लेकिन एक बात का हमें ख्याल रखना है, या एक बात जो है हमें माइंड में रखनी है, कि कभी कभी नॉन पैथोजेनिक फंगस भी होते हैं वो भी कोई ना कोई डिजीज कॉज करते हैं. अब वो कैसे होगा वो हम आगे देख लेते हैं. इन अ केस ऑफ अ प्रोफाउंडली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल अ वाइड रेंज ऑफ फंगाई कैन प्रेजेंट एज कैपेबल ऑफ इंड्यूसिंग disease means humans में disease cause करेंगे non pathogenic भी, लेकिन तब जब उस individual की already immunity जो है वो compromised हो, immunity जो है compromised है, उसके भी multiple reason हो सकते हैं. उसको कोई disease हो सकती है पहले से ही, for example AIDS है, cancer है, diabetes है, तो वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इंडिविजुअल तो ऑलरेडी है क्योंकि उसको पहले से ही डिजीज मौजूद है. तो पहले से ही डिजीज का मौजूद होना और नॉर्मल फ्लोरा में, जैसे पहले भी बात हुई थी कि फंगाई प्रेजेंट होते हैं, अगर वो नॉन पैथोजेनिक भी होगा तो वो पैथोजेनिक हो सकता है, और वो तब हो सकता है जब ऑलरेडी किसी इंडिविजुअल की इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो. The most common fungal pathogens of humans can be divided into three broad classes. Fungal pathogen की बात हो रही है, fungal infections की बात हो रही है, तो उसमें हमें examples देखनी होंगी कि कौन कौन से fungi disease cause करते हैं humans में. तो इसकी basically तीन classes है. First, yeast. The yeast, second the molds, third the dermatophytes. Means ki teen classes hain agar hum baat kare yeast ki jo fungal infection cause karenge ya wo fungal pathogen hai disease cause karte hain human mein, is to yeast bhi responsible hai, molds bhi responsible hai aur dermatophytes bhi responsible. हम वन बाय वन डिस्कस करके करते हैं. फर्स्ट ईस्ट. ईस्ट के एग्जांपल में जो सी एग्जांपल आती है वो है कैंडिडा एल्बिकेंस. आप देख रहे हैं द ईस्ट कैंडिडा एल्बिकेंस, ये नाम है ईस्ट का. ईस्ट कैंडिडा एल्बिकेंस इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली इनकाउंटर्ड ह्यूमन फंगल पैथोजन.
बहुत ही कॉमन है ये, जो भी फंगल इन्फेक्शन मोस्टली हो रहे होते हैं तो उसमें कैंडिडा एल्बिकेंस भी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और ये यीस्ट है बेसिकली, यीस्ट बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर अ वाइड रेंज ऑफ सुपरफिशियल एंड सिस्टमिक इन्फेक्शन. अब यहाँ पे दो टर्म्स यूज हो रही हैं, सुपरफिशियल और सिस्टमिक. ये बात तो आपको समझ आ चुकी होगी कि ईस्ट में कैंडिडा एल्बिकेंस आता है जो कि कॉमनली फंगल इन्फेक्शन कॉज करता है ह्यूमंस में, और रिस्पॉन्सिबल है ये सुपरफिशियल एंड सिस्टमिक इन्फेक्शन दोनों के लिए. मतलब इन्फेक्शन जो है वो सुपरफिशियल भी हो सकता है और इन्फेक्शन जो है वो सिस्टमिक भी हो सकता है. अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सुपरफिशियल और सिस्टमिक? सबसे पहले जो है वो देख लेते हैं सुपरफिशियल. सुपरफिशियल इन्फेक्शन वो होते हैं जो लिमिटेड होते हैं आपके स्ट्रेटम कॉर्नियम. स्ट्रेटम कॉर्नियम क्या है, ये अपर लेयर होती है, अपर मोस्ट लेयर आपके स्किन की, ठीक है. इसीलिए हम उसको सुपरफिशियल इन्फेक्शन कह रहे हैं. मींस के वो जो इन्फेक्शन होगा वो एक खास लिमिटेड एरिया में होगा, आपके आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन में होगा, जिसमें हेयर्स एंड नेल्स भी आ जाते हैं, वो लिमिटेड होगा, इसीलिए उसको कहा जाता है सुपरफिशियल इन्फेक्शन. नेक्स्ट सिस्टमिक इन्फेक्शन. अब सिस्टमिक इन्फेक्शन मींस के वो अफेक्ट करेगा आपकी एंटायर बॉडी को रेदर देन सिंगल ऑर्गन और बॉडी पार्ट. अगर सुपरफिशियल की बात होगी तो कोई भी सिंगल पार्ट जो है वो अफेक्टेड होगा, ठीक है. लेकिन अगर सिस्टमिक इन्फेक्शन है तो वो आपकी एंटायर बॉडी को या ऑर्गन्स को जो है वो अफेक्टेड कर सकता है. सो ये दोनों टर्म्स आपको समझ आ चुकी होंगी, सुपरफिशियल एंड सिस्टमिक इन्फेक्शन. अगर जस्ट लिमिटेड है किसी खास एरिया में जिसमें वो अपर मोस्ट आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन को कवर कर रहा है, हेयर्स है, नेल्स है, ठीक है, वहां पे अगर इन्फेक्शन हो रहा है, कॉज कर रहा है, तो वो सुपरफिशियल इन्फेक्शन कहलाएगा. लेकिन अगर हम बात करें सिस्टमिक की तो उसमें आपकी एंटायर बॉडी आ जाती है, बॉडी के ऑर्गन्स आ जाते हैं, जब उसको हम कहते हैं कि वो सिस्टमिक इन्फेक्शन. सुपरफिशियल इन्फेक्शन इंक्लूड ओरोफैरिंजियल एंड जेनाइटल कंडीशंस. सबसे पहले हम सुपरफिशियल इन्फेक्शन देख लेते हैं कि उसमें कौन कौन सी कंडीशन आती है. तो यहाँ पे दो टर्म यूज हो रही है, ओरोफैरिंजियल एंड जेनाइटल कंडीशंस. मींस किसी खास एरिया में इन्फेक्शन होगा, एक लिमिटेड एरिया में इन्फेक्शन होगा, इसे हम कह रहे हैं सुपरफिशियल इन्फेक्शन. जेनाइटल इन्फेक्शन तो उसमें जेनाइटल्स की बात होगी, वो भी किसी खास एरिया में इन्फेक्शन होगा तो वो सुपरफिशियल ही कह रहा है. समटाइम्स कैंडिडा कैन मल्टीप्लाई एंड कॉज एन इन्फेक्शन इफ द एनवायरनमेंट इनसाइड द माउथ थ्रोट और एसोफेगस चेंजेस इन अ वे दैट एनकरेजेस फंगल ग्रोथ. पहले भी ये बात मैंने आपको बताई थी कि अगर कुछ बॉडी में इस तरह का एनवायरनमेंट बन जाता है कि वो फंगाई को एक फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करता है उसकी मल्टीप्लीकेशन के लिए और इन्फेक्शन कॉज करने के लिए, तो कैंडिडा है या फंगाई है उसको जो है मौका मिल जाता है इन्फेक्शन कॉज करने का. मैंने एक टर्म पहले भी यूज की थी, अपॉर्चुनिस्टिक, मीन्स अब उसको अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि वो इन्फेक्शन कॉज करे. यहाँ पे बात आई थी ओरोफेरिंजियल की, तो ओरोफेरिंजियल जिसमें इफेक्टेड जो एरिया है वो है माउथ, थ्रोट और एसोफेगस. वहां पे अगर इन्फेक्शन कॉज करे वो, तो उसे हम कहते हैं ओरोफेरिंजियल कैंडिडियासिस. वही बात लिखी हुई यहाँ पे भी, समटाइम्स कैंडिडा कैन मल्टीप्लाई एंड कॉज एन इन्फेक्शन इफ द एनवायरनमेंट inside the mouth, throat or esophagus changes in a way that encourages fungal growth. Means ki ye jo part discuss ho raha hai, mouth hai, throat hai, esophagus hai, wahan pe environment agar change ho jata hai to
वो फेवरेबल कंडीशन हो जाती है फंगल फंगल इन्फेक्शन की. मीन्स कि अब वहां पे फंगाई को, यहाँ पे तो खैर ईस्ट की बात हो रही है, कनाडा की बात हो रही है, मीन्स वहां पे अब उसको अपॉर्चुनिटी मिल गई कि वो इन्फेक्शन कॉज करे. तो वो सुपरफिशियल इन्फेक्शन कॉज करता है जिसको हम कहते हैं ओरोफैरिंजियल कैंडिडियासिस. चूंकि ये कनाडा की वजह से हो रहा है तो उसकी जो यहाँ पे कंडीशन बताई गई है वो है ओरोफैरिंजियल कैंडिडियासिस, जहाँ पे माउथ, थ्रोट और इसोफेगस, उसके एनवायरनमेंट का चेंज होना, फेवरेबल कंडीशन का मिल जाना ईस्ट को या कैंडिडा को कि वो अब इन्फेक्शन कॉज करे. तो इस पार्ट में अगर इन्फेक्शन हो रहा है और कैनेडा की वजह से हो रहा है तो उसे हम कहेंगे ओरोफेरिंजियल कैंजी जेसस. कैंजीजियसिस इन द माउथ एंड थ्रोट कैन हैव मेनी डिफरेंट सिम्टम्स इंक्लूडिंग वाइट पैचेस ऑन द इनर चीक्स, टंग, कैंडिडियासिस. इसके हमने सिम्टम्स देखे थे कि कैंडिडा एल्बिकेंस की वजह से जो फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, जिसमें हमने ओरोफेरिंजियल इन्फेक्शन की बात की थी, तो उसके सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो उसमें व्हाइट पैचेस आते हैं जो कहाँ प्रेजेंट होंगे, इनर चीक्स में, टंग में, माउथ की रूफ में एंड थ्रॉट. उसके अलावा रेडनेस और सोरनेस, रेडनेस भी होती है इसमें, आपको नजर भी आ रही होगी, और सॉरनेस मींस पेन. रेडनेस के साथ साथ पेन भी होगा. लॉस ऑफ टेस्ट, जाहिर सी बात है अगर एक पूरा आपकी माउथ का एरिया जो है वो इफेक्टेड है तो टेस्ट जो भी आप चीजें जो है वो आप खाएंगे यूज करेंगे तो उसका टेस्ट जो है वो आपको फील नहीं होगा. नेक्स्ट सिम्टम, पेन वाइल ईटिंग और स्वेलॉइंग. जाहिर सी बात है माउथ है वहां पे इन्फेक्शन हुआ हुआ है तो पेनफुल है जो जो के, तो आप जो भी चीज खाएंगे स्वेलो करेंगे तो आपको पेन फील होगा. नेक्स्ट है क्रैकिंग एंड रेडनेस एट द कॉर्नर्स ऑफ द माउथ. क्रैकिंग भी क्रैक्स नजर आ रहे होंगे आपको और रेडनेस नजर आ रही होगी इवन के माउथ के कॉर्नर्स में भी. कैंडिडा एल्बिकेंस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर अ रेंज ऑफ सिस्टमिक इन्फेक्शन एंड मेनी ऑफ दीज कैन कमेंस एज सुपरफिशियल इन्फेक्शन. पहले हमने सुपरफिशियल इन्फेक्शन की बात की, यहाँ पे अब हम थोड़ा सा सिस्टमिक इन्फेक्शन को देखते हैं. सिस्टमिक इन्फेक्शन का मैंने आपको पहले ही बताया था कि अब आपके एंटायर बॉडी को जो है वो अफेक्ट कर सकता है. मीन्स कि अब एक से ज्यादा ऑर्गेनिजम्स भी इसमें, एक से ज्यादा ऑर्गन्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होंगे इन्फेक्शन कॉज करने के लिए. और जाहिर सी बात है अगर जितने ऑर्गन्स को वो इफेक्ट करेगा तो वो सुपरफिशियल इन्फेक्शन होता रहेगा. मीन्स कि एक खास लिमिटेड एरिया जो है वो अफेक्ट होगा लेकिन वो बहुत से ऑर्गन्स हो सकते हैं. इन्फेक्शन ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इज सीन इन डायबिटिक्स, कैंसर एंड एड्स पेशेंट एंड द इसोफेगस इज अ कॉमन साइट ऑफ इन्फेक्शन रेंडरिंग स्वेलोइंग डिफिकल्ट. अब यहाँ पे बात आ रही है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की, मींस कि अब बॉडी की बात आ रही है जिसमें जीआई ट्रैक्ट है, उसकी बात आ रही है कि वहां पे भी इन्फेक्शन हो सकता है. वो सिस्टमिक इन्फेक्शन होगा लेकिन ये उस सूरत में होगा जब पहले से ही इंडिविजुअल को बीमारियां हैं. फॉर एग्जाम्पल डायबिटिक्स, अगर पेशेंट को जो इंडिविजुअल को ऑलरेडी डायबिटीज है या कैंसर है या एड्स का पेशेंट है तो उसके लिए जो इसोफेगस होगा वो कॉमन साइट होगा इन्फेक्शन की. मतलब वहां पे इन्फेक्शन हो सकता है इसोफेगस में जब ऑलरेडी उस इंडिविजुअल को डायबिटीज है, कैंसर है या एड्स है. अब जाहिर है इसोफेगस में अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो वो अल्टीमेटली स्वेलो करने में डिफिकल्टी आएगी. नेक्स्ट अगर हम सिस्टमिक इन्फेक्शन की बात करें
कैंडिडा इन्फेक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सीन इन दोज विद अंडरलाइंग डिजीज. अंडरलाइंग डिजीज मीन्स के दूसरी बीमारियां अगर उस इंडिविजुअल को ऑलरेडी हैं तो वहां पे भी अब कैंडिडा एल्बिगेंस को जो है वो अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी कि वो उस ऑर्गन को जो है इन्फेक्ट करे, जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. पहले गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक की बात. द यूरिनरी ट्रैक्ट कैन ऑल्सो बी द साइट ऑफ कैंडिडोसिस. ये एग्जाम्पल्स आ रही है इन्फेक्शन की. पहले हमने बात की जी आई की, देन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, अब हम बात करें यूरिनरी ट्रैक्ट की. तो वहां पे भी इन्फेक्शन होता है कैंडिडा की वजह से, जिसे हम कह रहे हैं कैंडिडोसिस, विच मे बी ड्यू टू रीनल इन्फेक्शन और अंडरलाइन डिजीजेस और सिस्टाइटिस. यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का होना कैंडिडा की वजह से वो तब होगा जब ऑलरेडी उस पेशेंट को, उस इंडिविजुअल को रीनल इन्फेक्शन है, इससे पहले से ही उसको किडनी इन्फेक्शन है, किडनी प्रॉब्लम्स हैं, या उसके अलावा उसको सिस्टाइटिस है, मींस की इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लैडर. अगर पहले से ही इन्फ्लेमेशन है ब्लैडर में, रीनल इन्फेक्शन है उस इंडिविजुअल को, तो वहां पे भी जो है वो यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे कैंडिडोसिस. The presence of an indwelling urinary catheter may also predispose to candida infection. Indwelling means ke inside your body. Ab already aapke agar koi aisa patient hai ki unko urinary catheter jo hai wo lage hue hain. Urinary catheter aap examples hain mein lying urinary bag, theek hai. To agar already urinary catheter jo hai wo patient hai ya individual use kar raha hai to wahan pe bhi candida infection ke chances badh jate. A range of factors is capable of predisposing the individual to systemic or superficial infections. अब यहाँ पे हम बात करते हैं factors की कि कौन कौन से factors हैं जो responsible होते हैं superficial और systemic infection cause करने. तो factors की बात कर लेते हैं. Factors which impair the host immune system, such as presence of underlying diseases. ठीक है, फैक्टर्स की बात आ रही है. फैक्टर्स में मैंने आपको पहले ही बताया था कि पेशेंट इंडिविजुअल ऑलरेडी अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, मीन्स के इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है वो मल्टीपल रीजन की वजह से हो सकता है, इम्यूनिटी वीक है उसकी, या उसको कोई अंडरलाइन डिजीजेस है, फॉर एग्जाम्पल एड्स, कैंसर या डायबिटीज. ठीक है, तो ये भी फैक्टर है इन्फेक्शन कॉज करने के लिए, चाहे वो सुपरफिशियल हो चाहे वो सिस्टमिक हो. उसके अलावा द यूज ऑफ इम्यूनो सप्रेसिव थेरेपी ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन. अब ये नेक्स्ट फैक्टर है कि कोई इंडिविजुअल है या पेशेंट है इम्यूनो सप्रेसिव थेरेपी ले रहा है. ठीक है, इम्यूनो सप्रेसिव थेरेपी तब ली जाती है जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा हो. ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के दौरान इम्यूनो सप्रेसिव थेरेपी दी जाती है ताकि ऑर्गन का ट्रांसप्लांट जो है रिजेक्शन की तरफ ना जाए. तो अगर ये भी एक फैक्टर आ जाता है तो वहां भी इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. और थर्ड फैक्टर है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक थेरेपी कैन लीव द इंडिविजुअल सक्सेसिबल टू कैंडिडोसिस. पहला क्या था कि ऑलरेडी उसको डिजीजेस हैं एड्स, कैंसर या डायबिटीज. सेकेंड फैक्टर ये था कि वो कोई इम्यूनो सप्रेसिव थेरेपी तो नहीं ले रहा जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में दी जाती है. और थर्ड है कि इंडिविजुअल अगर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक थेरेपी ले रहा है तो वहां पे भी जो है वो कैंडिडोसिस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे. मीन्स कि अब जो आपकी बॉडी है, इंडिविजुअल है, वहां वो सक्सेप्ट जो इन्फेक्शन है या कैंडिडा एल्बिकन है, ठीक है, कर सकता है बॉडी में और इन्फेक्शन कॉज करेगा. क्योंकि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम मींस के जो वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म को कवर करे. एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक्स क्या है जो किसी ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए यूज होती है, जैसे पहले बात की थी एग्जाम्पल में पेनिसिलिन की थी. तो अब ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, मीन्स कोई एक खास ग्रुप नहीं होगा, उसमें ब्रॉड या वाइड
रेंज ऑफ ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे, बहुत से ऑर्गेनिजम्स को वो इनहिबिट करेगा. अब बहुत से ऑर्गेनिजम्स को अगर वो इनहिबिट करता है तो कुछ ऑर्गेनिजम्स आपके लिए बेनिफिशियल भी होते हैं. तो बेनिफिशियल अगर है, जैसे नॉर्मल फ्लोरा में ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो आपकी बॉडी के लिए बेनिफिशियल होता है. लेकिन अगर कुछ एंटीबायोटिक्स जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स में बहुत से ऑर्गेनिजम्स कवर होते हैं, जिसमें बहुत से ऑर्गेनिजम्स किल हो जाते हैं या उनकी ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है, तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी वीक हो जाती है. और अगर आपकी बॉडी की इम्यूनिटी भी वीक हो जाए तो फिर इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे. ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इन्फेक्शन कॉज करने के लिए. Other factors that may predispose to candida infection include the presence of indwelling catheter and skin damage as a result of burns or other trauma. इस factor की बात तो मैं पहले भी हो चुकी थी. अगर individual है, inside body catheters जो है वो use किए जा रहे हैं, तो वहां भी infection होने के chances बढ़ जाते हैं. लेकिन उसके अलावा अगर skin damage है, अगर कोई इंडिविजुअल है उसको बर्न्स है या ट्रॉमा हुआ है और जिसकी वजह से स्किन डैमेज है, तो वहां पे भी जाहिर है अब स्किन डैमेज हुई मींस कि अब एक तरह से आपकी जो जो एनवायरनमेंट है स्किन का वो चेंज हो गया. अब स्किन का एनवायरनमेंट चेंज हो गया तो अल्टीमेटली जो ऑर्गेनिज्म होगा उसको मौका मिल जाएगा इन्फेक्शन कॉज करने का. तो ये भी एक फैक्टर है कि अगर कोई स्किन डैमेज है बर्न्स की वजह से या ट्रॉमा की वजह से, तो वहां पे भी कैंडिडा इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे. तो ये सारा जो है हमने यीस्ट में कवर किया, यीस्ट में. और सेकंड है मोल्ड, जो हमने क्लासेस पढ़ी थी कि फंगल इन्फेक्शन या फंगल पैथोजेंस कौन कौन से होते हैं. तो उसमें पहला था यीस्ट जो हम पहले डिस्कस कर चुके. अब सेकंड है मोल्ड. मोल्ड क्या है? मोल्ड एज पर जनस फ्यूमिगेटर, एग्जाम्पल आती है एस्पर्जिलस फ्यूमिगेटस. अब यीस्ट क्या है, मोल्ड क्या है, ये हम पहले इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं. यीस्ट जो है वो यूनिसेलुलर है, मोल्ड जो है वो मल्टीसेलुलर है. यहाँ पे हम फंगल पैथोजन की बात कर रहे हैं, तो फंगल पैथोजन में अब हम जो हमने जो क्लास ली है वो मोल्ड की ली है. उसकी एग्जाम्पल जैसे वहां पे कैंडिडा एल्गिगेंस था यीस्ट में, अब मोल्ड में क्या है, मोल्ड एस्पर्जिलस फ्यूमिगेटस इज द dominant fungal pulmonary pathogen of humans and generally present as a problem in those with pre-existing lung disease or damage. अब वही बात है कि already उस individual को जो patient है उसको already कोई ना कोई lung disease है या lung damage है, तो वैसे ही environment change है body का. अब वहां पे जो mold है, मोल्ड एस्पर्जिलस फ्यूमिगेटस, उसको अब मौका मिल जाता है डिजीज कॉज करने का. जब हम यहाँ बात कर रहे हैं पैथोजन की, और पैथोजन क्या है, फंगल पल्मोनरी पैथोजन मींस के यहाँ पे लंग्स जो है वो इन्वॉल्व है. लंग्स इन्वॉल्व है, पहले ही जो है डैमेज हुआ हुआ है, लंग डिजीज है, और वहां पे एनवायरमेंट चेंज है. अब मोल्ड को जो है वो मौका मिल गया कि वो इन्फेक्शन कॉज करे. इसीलिए यहाँ पे जो जो टर्म यूज हुई है वो पल्मोनरी पैथोजन की हुई है, क्योंकि वो अफेक्ट ही लंग को कर रहा है. इन एडिशन टू पल्मोनरी इन्फेक्शन अदर साइड्स मे बी अफेक्टेड इंक्लूडिंग द ब्रेन, किडनी एंड साइनसेस, डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ द इम्यूनो कॉम्प्रोमाइजेशन ऑफ द इंडिविजुअल. पहले भी आपको बताया था कि एक ऑर्गन अगर इफेक्टेड है तो दूसरे ऑर्गेनिजम्स भी इफेक्ट हो सकते हैं, जिसमें ब्रेन है, किडनी है और साइनसिस है. मींस कि इस लंग डिजीज की वजह से दूसरे पार्ट्स भी इफेक्टेड हो सकते हैं, जिसमें ब्रेन आता है, किडनी है, साइनसिस है. अब ये डिपेंड करेगा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइजेशन पर. अब वो डिपेंड करेगा इम्यूनिटी पे कि जो इंडिविजुअल है उसकी इम्यूनिटी कितनी स्ट्रॉन्ग है, तो उसी वजह से जो है उसका लेवल भी बढ़ेगा डिजीज होने का. तो यहाँ पे वही बात हो रही है, इन एडिशन टू पल्मोनरी इन्फेक्शन अदर साइट्स में भी अफेक्टेड इंक्लूडिंग द ब्रेन,
kidneys and sinuses, depending on the level of immunocompromisation of the individual. मतलब levels की बात हो रही है, जरूरी नहीं है कि बिल्कुल ही सीवियर स्टेज पे जो है वो कंडीशन चली जाए. जितना इम्यूनिटी स्ट्रांग हुई या अगर जितना वो बियर कर सकता है, ज्यादा इम्यूनिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज है, तो अल्टीमेटली ये सारे जो ऑर्गन्स या पार्ट्स की जो बात हो रही है वो सारे इफेक्टेड होंगे और इस तरह जो है वो लेवल में उसके चेंजेस आते जाएंगे कि वो कितने पार्ट्स को जो है वो कवर कर रहा है इन्फेक्शन. ठीक है, एस्परजिलस की बात हुई थी और इसकी वजह से जो इन्फेक्शन हो रहा है तो इस टर्म को जो है वो हम कहेंगे एस्परजिलोसिस. प्रेजेंट एज अ सीरियस प्रॉब्लम इन पेशेंट इम्यूनो सप्रेस्ड इन एडवांस ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन. बात है कि इम्यूनो सप्रेसर थेरेपी यूज की जाएगी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए ताकि रिजेक्शन ना हो सके. तो अगर वो इम्यूनो सप्रेसर थेरेपी यूज हो रही है या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है तो वहां पे अब एज पर लॉसेस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे. नेक्स्ट है गैमेटोफाइट. ये नेक्स्ट क्लास है. गैमेटोफाइट इज अ टर्म अप्लाइड टू अ रेंज ऑफ फंगाई capable of colonizing the skin, nails or hair. यहाँ पे dermatophytes जो हैं, वो जो infect करेंगे, वो skin को करेंगे, skin, nails or hairs. The principal dermatophytic fungi are trichophyton, microsporum and epidermophyton species. अब species की example जैसे कि ईस्ट में हमने कैंडिडा एल्बिकेंस पढ़ा, मोल्ड्स में एस्परजिलस पढ़ा. अब अगर हम डर्मेटोफाइट की बात करें तो उसमें ट्राइकोफाइटोन, माइक्रोस्पोरम एंड एपिडर्मोफाइटोन स्पीशीज आती है. द मोस्ट कॉमन एनकाउंटर्ड डर्मेटोफाइटिक इन्फेक्शन आर एथलीट्स फुट एंड रिंगवॉर्म इन्फेक्शन. डर्मेटोफाइटिक इन्फेक्शन जो होते हैं उसमें जो कॉमन इन्फेक्शन है वो है एथलीट्स फुट. एथलीट फुट होता है इन्फेक्शन ऑफ द फुट. इसकी मैंने बाद में डायग्राम से आ रही है. जो फुट में इन्फेक्शन हो जाता है किसी फंगाई की वजह से तो वो डर्मेटोफाइट होते हैं क्योंकि वो स्किन को ही इफेक्ट कर रहे हैं. नेल्स भी आते हैं इसमें, हेयर्स भी आते हैं. तो अगर वो फुट को इन्फेक्ट कर रहे हैं तो उसमें कंडीशन होती है एथलीट्स फुट की. और उसके अलावा रिंग वॉर्म इन्फेक्शन भी है. अब रिंग वॉर्म क्या है? फंगल इन्फेक्शन ऑफ द स्कर्ल और स्किन. रिंग वॉर्म इसलिए यूज हो रहा है, जो टर्म यूज हो रही है रिंग वॉर्म इसलिए कि जो इन्फेक्शन होता है उसका जो शेप होता है वो रिंग वॉर्म से रिजेंबल करता है, इसीलिए उसको रिंग वॉर्म इन्फेक्शन कहते हैं. और ये डर्मेटोफाइट्स होते हैं या आप कह रहे हैं डर्मेटोफाइटिक इन्फेक्शन होते हैं जो डर्मेटोफाइट की वजह से. ये आप देख रहे हैं एक में जो एथलीट फुट है और सेकंड जो है आप देख सकते हैं कि ये स्किन ही है. ठीक है, डर्मेटोफाइट ने जो है वो इन्फेक्ट किया हुआ है स्किन को और वो रिंगवॉर्म इन्फेक्शन है.